बाहर 30 रुपए सस्ता हो गया है एलपीजी सिलेंडर। जाने कि एलपीजी सिलेंडर में कटौती हुई है। और आखिर ये पूरी खबर क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, इस खबर को मैं आपको पूरा डिटेल में सुनाऊंगी। जितना हो सके इस वीडियो को वो शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं आई विजय किशन राइस। देश के लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलती है। तेल बेचने वाली कंपनियों ने सोमवार 1 जुलाई 2024 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 30 रुपए तक की कटौती है वो कर दी है। और इन कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में जो कटौती है वो नहीं की है, बल्कि होटलों और रेस्टोरेंट में यूज होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की कटौती की है। और ये एलपीजी सिलेंडर 19 किलो का होता है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जो है 14.2 किलो वाला होता है। और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में किस प्रकार की कटौती है वो नहीं हुई है, आपको बता दें उसमें जो है किसी की प्रकार की जो कटौती है वो नहीं हुई है। तेल कंपनियों की ओर से कीमत में संशोधन किए जाने के बाद सोमवार 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 30 रुपये, यानी कि वो सस्ता हो गया है। और दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 1676 की बजाय 1646 रुपये से में है वो मिलेगा। और कोलकाता में ये जो सिलेंडर है अब 1756 रुपये में मिल रहा है, और जहाँ पर पहले इसका जो दाम था वो 1787 रुपये था। और देश की राजधानी मुंबई में एलपीजी गैस सिलेंडर 1625 रुपये में 31 रुपये घटाकर 1598 रुपये का हो गया है। और चेन्नई में जो सिलेंडर है वो 18,905.50 रुपये का है जो मिल रहा है। हालांकि 14.2 किलो वाले जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव है वो नहीं हुआ है। और दिल्ली में ये 803 रुपये और मुंबई में 802.50 रुपये में है जो मिल रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव है वो नहीं किया गया है। और इसमें आखिरी बार 9 मार्च 2024 को बदलाव किया गया था। और रेट में 100 रुपये की कटौती है वो की गई थी। और दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर में रेट है वो 803 रुपये और कोलकाता में 829 रुपये, मुंबई में 802.50 रुपये और चेन्नई में 800 जो कि 50 रुपये है। और 1 जून 2023 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में कीमत जो है 1103 रुपये की। और कंपनियों ने 30 अगस्त 2023 को इसमें 200 रुपये की बड़ी जो कटौती का ऐलान था वो किया। और अब ये दाम घटाकर है 903 रुपये जो है वो हो गए हैं। और उसके बाद फिर 9 मार्च 2024 को कंपनियों ने इसकी कीमत में जो है 100 रुपये की जो कटौती थी वो कर दी थी। तो इसी तरह जैसे आप जानते हैं कि अब जो एलपीजी गैस है, यानी कि जो कमर्शियल एलपीजी गैस है उसमें कटौती की गई है, लेकिन जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसमें कोई भी कटौती है वो नहीं की गई है। आपको इसका जो है 30%, यानी कि आपको 30 रुपये जो सस्ता है वो एलपीजी सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, वो मिलेगा। लेकिन जैसे कि इस न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो गैस सिलेंडर है जो रसोई में यूज़ होते हैं उसमें कोई भी जो कटौती है वो नहीं की गई है। तो जितना हो सके इस वीडियो को है वो शेयर कीजिएगा और तमाम बड़ी अपडेट के साथ बने रहिए जीके सनराइज़ के साथ।